डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की वीडियोस का ये फ़ायदा होता है कि आप अलग अलग सिचुएशंस को फ़ेस भी कर पाते हो और साथ में प्रैक्टिस भी कर पाते हो तो आपके स्क्रीन पर जो भी सेंटेंसेस आएंगे उन्हें अपने मन मन में रिपीट भी करते जाइए इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अच्छा कैमरा होना मेरे दिल की ख्वाहिश हैविंग अ गुड कैमरा इज़ माई होल हार्टेड विल हैविंग अ गुड कैमरा इज़ माई होल हार्टिड विल तुम्हें हमेशा मस्ती सोचती है यू आर ऑलवेज अप टू मिशीफ़ यू आर ऑलवेज अप टू मिशीफ़ अकल से काम लो यूज़ यूर माइंड यूज़ यूर माइंड ये पानी झूठा है इसे मत पियो इट्स सिप्ड वाटर डोंट ड्रिंक इट इट्स सिब्ड वाटर डोंट ड्रिंक इट हम तुम्हारे दोस्तों के जितने मालदार नहीं हैं मालदार नहीं है मतलब हम तुम्हारे दोस्तों के जितने अमीर नहीं हैं तो आप बोलेंगे से वी आर नॉट एज रिच एज योर फ्रेंड्स आर वी आर नॉट एज रिच एज योर फ्रेंड्स आर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो वेयर आर यू टेकिंग मी वेयर आर यू टेकिंग मी मैं अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर जा रहा हूँ आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन विद माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन विद माई फ्रेंड्स ये तुम्हारे लिए अजीब है लेकिन मेरे लिए अजीब नहीं है इट्स वियर्ड फॉर यू नॉट फॉर मी इट्स वियर्ड फॉर यू नॉट फॉर मी हाँ मेरे लिए खाना परोस दो यस सर्व फूड फॉर मी यस सर्व फूड फॉर मी चॉकलेट को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसके लिए आप सिंपली बोल सकते हैं चॉकलेट्स आर माउथ वाटरिंग चॉकलेट्स आर माउथ वाटरिंग ये चॉकलेट कितने रुपए की है हाउ मच इज़ दिस चॉकलेट फॉर हाउ मच इज़ दिस चॉकलेट फॉर ये मेरे दिल को छू गया इट टच मा हार्ट इट टचड मा हार्ट तुम्हारे बोलने का तरीका मेरे दिल को छू गया योर वे ऑफ स्पीकिंग ट्ड मा हार्ट योर वे ऑफ़ स्पीकिंग ट्ड मा हार्ट तुमने अपने बच्चे का क्या नाम रखा व्ट डिड यू नेम योर बेबी व्हाट डिड यू नेम योर बेबी मैं तुम्हें वचन देता हूँ आई प्लेज यू आई प्लेज यू क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे विल यू रिमेन सेम फॉर लाइफ लॉन्ग विल यू रिमेन सेम फॉर लाइफ लॉन्ग तुम्हें समय से खाना खा लेना चाहिए यू शुड ईट फूड विद टाइम यू शुड ईट फूड विद टाइम मेरे घर वाले खुश हैं ये मेरी सबसे बड़ी जीत है माई फैमिली इज़ हैप्पी इट्स म ग्रेट विक्ट्री माई फैमिली इज़ हैप्पी इट्स माई ग्रेट विक्ट्री आपके मम्मी पापा कैसे हैं हाउ आर योर पेरेंट्स हाउ आर योर पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वह 18 साल की है शीज़ एटीन एट मोस्ट शीइज एटीन एट मोस्ट मुझे ये काम खुद ही निपटाना पड़ेगा आई हैव टू फिनिश दिस वर्क माई सेल्फ आई हैव टू फिनिश दिस वर्क माई सेल्फ उसे चुप करा दो अगर कोई लड़का है तो आप बोलेंगे मेक हिम स्टॉप वीपिंग लेकिन अगर कोई लड़की रो रही है आप उसे बोल रहे हो कि उसे चुप करा दो तो आप बोलेंगे मेक हर स्टॉप वीपिंग तुम किसकी वजह से दुखी हो या फिर तुम्हें किसने दुखी कर दिया हु मेड यू सैड हु मेड यू सैड मैं इसे संभाल लूँगा आई डील विद इट आई डील विद इट मैं तुम्हारी चाल अच्छे से समझता हूँ आई अंडरस्टैंड योर trick वेरी वेल आई अंडरस्टैंड योर ट्रेक वेरी वेल वह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं हिज़ नॉट लाइक एज ए सीन हिज़ नॉट लाइक एज is सीन गरीबी का मजाक मत उड़ाओ डोंट मेक फन poverty. पॉवर्टी डोंट मेक फन poverty. तुम हमेशा बड़बड़ाते रहते हो यू ऑलवेज keep babbling. यू ऑलवेज कीप babbling. तुम मुझसे जलते क्यों हो Why आर यू jealous ऑफ मी Why आर यू jealous ऑफ मी मैं पूरी रात तुम्हें याद करता रहा आई kept मिसिंग यू थ्रू आउट द नाइट आई missing मिसिंग यू थ्रू आउट द नाइट तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है यू डोंट केयर फॉर मी यू डोंट केयर फॉर मी क्या तुम मुझसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हो Do you want to break up with me? Do you want to break up with me? तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो यू ऑलवेज़ थिंक ऑफ़ योर सेल्फ यू ऑलवेज़ थिंक ऑफ योर सेल्फ मेरा मूड ख़राब मत करो डोंट स्पॉयल मूड डोंट स्पॉयल म मूड उसे मेरी फोटो खींचने मत दो डोंट लेट इम टेक म पिक्चर डोंट लेट इम टेक म पिक्चर नहीं तो मैं उसे ज़ोरदार थप्पड़ मार दूँगा अदरवाइज आई एल गिव यू म टाइट स्लैप अदरवाइज आई एल गिव यम अ टाइट स् लैप तमीज़ से पेश आओ बिहेव योर सेल्फ बिहेव योर सेल्फ मुझे बासी खाना मत खिलाओ डोंट फीड मी स्टेल फूड डोंट फीड मी स्टेल फूड तुम्हारी खूबसूरती का क्या राज है व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ़ योर ब्यूटी व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ़ योर ब्यूटी वह अचानक से मशहूर हो गया सडनली ही बिकेम फेमस सडनली ही बिकेम फेमस अपने सामान का खुद ध्यान रखो टेक केयर ऑफ़ योर लगेज योर सेल्फ़ टेक केयर ऑफ़ योर लगेज योर सेल्फ बाल्टी में कितना पानी है हाउ मच वॉटर इज़ देअर इन द बकेट हाउ मच वाटर इज देयर इन द बकेट तुम सच में एक कंजूस इंसान हो इसके लिए आप दो तरीके से बोल सकते हैं यू आर रियली अ टाइट वॉट पर्सन या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर रियली अ माइजर पर्सन अपना चेहरा शीशे में देखो सी योर फेज इन द मिरर सी योर फेज इन द मिरर दूसरों के मामलों में दखल मत दो डोंट इंटरफियर इन अदर्स मैटर्स डोंट इंटरफियर इन अदर्स मैटर्स कान खोल कर सुन लो यू बैटर लिसन अप यू बैटर लिसन अप मुझे मस का मत लगाओ डोंट बटर मी अप डोंट बटर मी अप मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला आई एम नॉट गोइंग टू गेट इं टू योर टॉक्स आई एम नॉट गोइंग टू गेट इं टू योर टॉक्स सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं आपके जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर